नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 का मुआवजा देने की बात मोदी सरकार ने की है, लेकिन एक बार फिर मुआवजा को बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्य गुजरात में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार से दो मांगें उठाई हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार को कोरोना महामारी के दौरान हुई कुल मौतों का सही आंकड़ा बताना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की दो मांग है, एक तो कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं, वहीं अपने प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख हर्जाना दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इसके अलावा #4 लाख देना होगा का जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें गुजरात के रहने वाले उन लोगों का दर्द बयां किया गया है जिन्होंने कोविड के समय किसी अपनों को खोया है। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि जब सरकार को लोगों की मदद करनी थी तब सरकार नहीं थी, जब लोगों को मुआवजे की जरूरत थी तब भी वो वहां नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात सरकार झूठा आंकड़ा देती है। गुजरात में 10,000 नहीं बल्कि 3 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजा 3 लाख लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन गुजरात में 10,000 लोगों को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वीडियो में आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि हर परिवार को 4 लाख रुपए दिया जाए। कोरोना के दौरान बड़े उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया गया, लेकिन कोरोना से मारे गए लोगों की मदद नहीं की गई। अब इस मांग पर देखना होगा कि मोदी सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।